चैनल चेरिस। आज मैं करने वाली हूँ डाइनिंग एरिया का मेकओवर। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे डाइनिंग में डेकोर किया है। जितने भी मेरे यूट्यूबर्स फैमिली है उन सबको मेरा थैंक यू और इतना सारा प्यार देने के लिए जो मेरी अभी रिसेंटली मैंने जो अभी जो मेरी वीडियो बंजारा मार्केट और बंजारा हॉल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उस वीडियो को। तो गाइज इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दे और थैंक यू सो मच मेरी जितने भी सब्सक्राइबर आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो और प्यार मुझे मिला है, आप लोगों का सपोर्ट मिला है। तो आई होप आपका प्यार इसी तरह रहे। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, उतना ही प्यार दीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो नए फ्रेंड्स हैं मेरी वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। ये एक एम्प्टी वॉल है और यहाँ पे करने वाली हूँ मैं डाइनिंग एरिया मेकओवर। और सेल्फ है और मैं इन्हें लगाने वाली हूँ और मैंने ये अमेजोन से मंगाई थी और मैं इसको लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो मैं हैंग करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉल शेल्फ लगाने के लिए मैं ड्रिल कर रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से यहाँ पे ड्रिल कर रही हूँ। और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था ड्रिल मशीन। तो फर्स्ट मैंने वॉल पे लगाए हैं 3 वॉल सेल्फ और आते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पे मैंने एक डाइनिंग टेबल रखी है, ये है 4 सीटर डाइनिंग टेबल। और ये जो शेल्फ है यहाँ पे मैं बुद्धास लैम्प रख रही हूँ और ये मग है मेरे बेटे का। और यहाँ पे ये होम सेंटर के मैंने टी लाइट जो होल्डर हैं ये मैंने होम सेंटर से परचेस किए थे। और यहाँ पे मैंने अपनी डॉटर का मग रखा है, इसमें मैंने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स रखे हैं और ये होम सेंटर का ही टी लाइट होल्डर है। और अब आते हैं थर्ड वाले सेल्फ में। तो ये मैंने लिया है बंजारा मार्केट से, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। और मैं टेबल में लगा रही हूँ रनर। और ये मैंने लिया है होम सेंटर से, ये मैंने लिया था 199 का। और यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप में मैंने ट्रे रखी है और एक रेक्टेंगल में, ये मैंने लाजपत नगर से लिया था। और यहाँ पे मैं रखूँगी वाइट कलर के फ्लावर्स। तो जो थीम है ये ब्लू वाइट एंड येलो और थोड़ा सा इसमें पिंक भी है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स रखे हैं और ये येलो वाज जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने बंजारा मार्केट से परचेज़ किया था। और यहाँ पे मैंने रखा है एक टिशू होल्डर, इसमें मैंने टिशू रखे हैं जो कि डाइनिंग टेबल में बहुत ज़रूरी है रखना, आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रखा है जो आप पॉट देख रहे हैं, ये है आउल शेप में है ये। और इस तरह से मैंने यहाँ पे टेबल में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है और मैं इसको कैंडल से थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक नीचे कैंडल रखी है। ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं ये मैंने लिया है पंचकुया मार्केट से। मेरे घर में ज़्यादातर जो फर्नीचर है वो पंचकुया मार्केट से ही मैंने लिया है। और अगर आप पंचकुया मार्केट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आपको फर्नीचर काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है, जैसे आप ऑनलाइन या फिर होम सेंटर से आप लेते हैं उससे कम रेट में आपको पंचकुया मार्केट से मिल जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो अगर आपने बंजारा मार्केट हॉल या वीडियो जो मैंने उसका टूर दिखाया है बंजारा मार्केट का वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने काफ़ी होम डेकोर आइटम्स में लिए हैं और आप देख सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेकओवर आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर किया है और मैं इसको बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कोई थीम नहीं है, मुझे कलरफुल चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ब्लू येलो वाइट थोड़ा सा मैंने पिंक का टच भी दिया है और मेरे घर में जो ज़्यादातर कलर है वो ब्लू और वाइट का है। सो गाइस तो कैसा लगा आपको ये वीडियो,
डाइनिंग एरिया मेकओवर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, उससे मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। मैं मिलती हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।